बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मौसम में होने वाली अचानक और बड़ी तब्दीलियों और तवील अरसा बारिशों के बाद मुल्क में रहने वाले शदीद और खुश्क मौसम गर्मी की लंबी लहर के हवाले से बड़ी अपडेट और खुश्क मौसम के बाद एक मरतबा फिर तूफ़ानी बारिशों आंधियों के हवाले से बड़ी रिपोर्ट के साथ हाजिर हूँ। मौसम की अपडेट से बाखबर रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दें, बहुत शुक्रिया। ताज़ा तरीन रिपोर्ट के मुताबिक आने वाले 8 से 10 रोज़ के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम खुश्क और कदरे गर्म रहेगा। इस दौरान शुमाली बलोचिस्तान, सिंध के बालाई और वस्ती इलाकों समेत साहली इलाकों और सुबह बलोचिस्तान की साहली पट्टी पर गर्द आलूद हवाएँ और झक्कड़ चलने का इम्कान। सुबह बलोचिस्तान के शुमाली इलाकों और मुखैबर पख्तूनख्वा के बालाई इलाकों में बाज मकामात पर रोज़ाना की बुनियाद पर गरज चमक के तूफान बनने और इक्का दुक्का मकामात पर लोकल डेवलपमेंट से बारिश मुमकिन है। ताहम लाहौर, फैसलाबाद, अटक चकवाल, झेलम समेत पंजाब के तमाम इलाकों और खैबर पख्तूनख्वा समेत बालाई वस्ती इलाकों में भी मौसम खुश्क रहेगा। आने वाले 8 से 10 रोज तक दिन के बेशतर अवकात में तेज़ धूप होगी, दर्जा हरारत में इजाफा होगा। इसलिए किसान भाई जल्द अज जल्द खुश्क मौसम का फ़ायदा उठाते हुए फसलों की कटाई और गहाई का काम मुकम्मल कर लें। बारिशों के बारे में अपडेट भी सुन लें कि 17-18 अप्रैल से बारिशों की मुल्क में वापसी होगी। अप्रैल के आखिरी 10 रोज़ के दौरान, ईद के दौरान और ईद के बाद भी मगरबी हवाओं के सिलसिले मुल्क पर असरअंदाज होते रहेंगे। हत्ता के मई के आगाज़ में भी मुल्क के बेशतर इलाकों में कराची तक कश्मीर शदीद बारिशों, यालाबारी और शदीद मौसमी सूरत हाल का इम्कान है। हाजरों ने रिपोर्ट के साथ अल्लाह हाफिज़।